केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने शुक्रवार को चिरगांव में एक जनसभा आयोजित की, जिसमें भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के लिए वोट मांगे। चिरगांव में लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और हर दल के नेता अपने अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने की कोशिश में हैं। इसी के चलते शुक्रवार को कलेक्टरगंज में भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के लिए केंद्रीय मंत्री सांसद उमा भारती ने एक जनसभा आयोजित की, जिसमें गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत और झांसी ललितपुर बबीना विधानसभा विधायक राजीव सिंह पारीक्षा ने भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के लिए वोट मांगे। वहीं सांसद उमा भारती ने कहा कि वह खुद चुनाव में खड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन वह पूरे दिल से अनुराग शर्मा के लिए जनता से अपील करती हैं कि उनको वोट देकर जिताएं। उन्होंने कहा कि देश के लिए वोट करके नरेंद्र मोदी काशी और झांसी से अनुराग शर्मा को जिताने की अपील की। 15 लाख रुपए जमा हुए, वो जवाब देने के देते समय बोल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब यह है कि 1000 साल से इस हिंदुस्तान का जो अपमान हुआ है, 1000 साल से हुआ है, पृथ्वीराज चौहान के सब समय से लेकर जब उनको गोरी ले गया था तब से लेकर के आज तक जो भारत की आत्मा का जो अपमान हुआ है, जो भारत माता की जो बेइज्जती हुई है अंग्रेजों के राज में, कांग्रेस के राज में, उसका परिणाम यह है कि उस लड़के के लिए 15 लाख रुपया की कीमत कुछ नहीं है, उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक की कीमत है। आप उसके मनोभाव को समझो, भारत की आत्मा को समझो, भारत के नौजवानों की आत्मा को समझो। भूखों मर जाएंगे लेकिन इज्जत की जिंदगी जिएंगे। चिरगांव से नजमा आब्दी की रिपोर्ट।